ओम शांति। आज की तारीख है 31/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे तुम हो मोस्ट लक्की बच्चे क्योंकि तुम्हारे सन्मुख स्वयं बाप है यानी स्वयं भगवान है स्वयं ईश्वर है वह तुम्हें सुना रहे हैं। प्रश्न है भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता क्यों? उत्तर है भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे तो उसे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे किसी से पुत्र मांगेंगे तो ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें काम गेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आश रख नहीं सकते। तुम जानते हो कि फल देने वाला एक ही दाता बाप है जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती है। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत बजा है ओम नमः शिवाय पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। धारणा के लिए मुख्य ज्ञान बिंदु नंबर 1 कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। नंबर 2 बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान सतगुरु बाबा का अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई करने चाहो उतनी कर नहीं सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा इस ही स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को
या प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।